ये देवी प्रकोप है, बाढ़ रहा जो है देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में, इसका समाधान जो नेपाल गवर्नमेंट से भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। नमस्कार, इस नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लोजपा में दो फाड़ के बाद केंद्र में मंत्री बने पशुपति कुमार पारस राजधानी पटना पहुंचे और उसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर गए। वहां मीडिया के द्वारा सवाल किया गया कि जिस तरीके से लगातार बाढ़ की स्थिति बनी है तो क्या वो वहां जाएंगे। उन्होंने इसका मजाक बनाते हुए कहा कि ये दैविक प्रकोप है और हम वहां देखने भी नहीं जा रहे। सुनिए पशुपति कुमार पारस ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आपको विस्तार से जाएंगे। नहीं स्वस्थ रहते हैं, बात प्रशासन अधिकारी से हमारी बात होती है और पानी भी खत्म हो गया है। और जब मंत्री जी ये उसके बाद अभी प्रशासनिक अधिकारियों से अभी बाढ़ राहत के नाम पर बात हुई है। डी एम साहिबा का रिपोर्ट आया देखा है, रिपोर्ट काफ़ी संतोषजनक रिपोर्ट है और अब बाढ़ का पानी घटा भी है, जहाँ धान कमी है, मवेशी का चारा हो, आदमी का हो, दो आदमी डूब के मर गया। उसी एक दिन चौबीस घंटे के अंदर दोनों को 4-4 लाख रुपये मिल गया। देखिए देवी प्रकोप है, बाढ़ राहत जो है देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में, इसका समाधान जो नेपाल गवर्नमेंट से भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन प्रत्येक साल बाढ़ आता है, इसी हिसाब से बाढ़ राहत मदद किया जाता है, प्रशासन संभव होगा करें। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बाढ़ को लेकर विवादित बयान दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जब बाढ़ को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इसे दैविक प्रकोप बताया। पारस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने भी नहीं जा रहा। लोजपा सांसद और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस का कहना था कि बाढ़ को लेकर मेरी जिले के अधिकारियों से बात हुई है और लोगों तक मदद मिल रही है। मालूम हो कि पशुपति कुमार पारस का इलाका इन दिनों बाढ़ की समस्याओं को झेल रहा है। बाढ़ से झेल रहे बिहार में कई केंद्रीय मंत्री इन दिनों अपने इलाकों में हैं, साथ ही साथ वो वहां कैंप भी कर रहे हैं। पारस से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आरके सिंह, अश्विनी चौबे सहित अन्य बड़े चेहरे को भी अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए देखा गया। लेकिन पशुपति कुमार पारस के इस बयान को काफ़ी गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है। तो पशुपति कुमार पारस ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बाढ़ जो है वो दैविक प्रकोप है और हम ऐसे में उन लोगों से मिलने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें कि अन्य जो बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात करें या अश्विनी चौबे की बात करें, तो तमाम अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वो लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में नए मंत्री बनने के बाद पशुपति कुमार पारस पहली बार पटना पहुंचे, लेकिन उन्होंने यह बयान दिया कि हम अपने क्षेत्र में मिलने भी नहीं जा रहे उन लोगों से जो बाढ़ से पीड़ित हैं। छोड़ जाते हैं पूरे बयान के साथ। उसके बाद अभी प्रशासनिक अधिकारियों से अभी बाढ़ राहत के नाम पर बात हुई है। डी एम साहिबा का रिपोर्ट आया देखा है, रिपोर्ट काफ़ी संतोषजनक रिपोर्ट है और अब बाढ़ का पानी घटा भी है, जहाँ धान कमी है, मवेशी का चारा हो, आदमी का हो, फिर दो आदमी डूब के मर गया। उसी एक दिन चौबीस घंटे के अंदर दोनों को 4-4 लाख रुपया मिल गया। देखिए देवी प्रकोप है, बाढ़ राहत जो है देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में, इसका समाधान जो नेपाल गवर्नमेंट से भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन प्रत्येक साल बाढ़ आता है, इसी हिसाब से बाढ़ राहत मदद किया जाता है, प्रशासन संभव होगा करें।